क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन सनफ्लावर क्रॉप, सूरजमुखी की फसल में संकर बीज उत्पादन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो सूरजमुखी या सनफ्लावर जो है ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी पर परागित फसल है, जिसमें पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन मधुमक्खियों के द्वारा यानी हनी बीज के द्वारा करवाया जाता है। इसको बोलते हैं कीट परागण या एंटोमोफिली। सूरजमुखी की बात करें तो इसके अंदर जो पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको कैपिटुलम या हेड कहा जाता है। ठीक है, पुष्पक्रम जो है, फिर इसमें जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं रेफ्लोरेट्स और दूसरे को बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। रेफ्लोरेट्स की बात करें तो ये कैपिटुलम जो है उसकी परिधि पर यानी पेरिफ्री पर उपस्थित पुष्प होते हैं। ये या तो मादा पुष्प होते हैं यानी कि पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं, या फिर ये स्टेराइल या बंध्य पुष्प होते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है इसमें हो सकती है। उसके बाद दूसरे होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। तो ये जो फ्लोरेट्स हैं ये कैपिटुलम के सेंटर में या केंद्र में उपस्थित होते हैं और ये हमेशा बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होते हैं, यानी पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों ही इसमें उपस्थित होते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये हेड या कैपिटुलम है सूरजमुखी या सनफ्लावर का। तो इसमें ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। इस रिसेप्टिकल के ऊपर डिस्क फ्लोरेट्स एंड रे फ्लोरेट्स लगे रहते हैं। अब मैंने आपको बताया था रे फ्लोरेट्स पेरिफ्री पर या परिधि पर लगे रहते हैं, तो आप देख सकते हो ये परिधि पर लगा हुआ है रे फ्लोरेट, और ये वाला रे फ्लोरेट जो है ये भी परिधि पर लगा हुआ है। जबकि डिस्क फ्लोरेट्स मैंने आपको बताया था केंद्र में या सेंटर में होते हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल केंद्र में या सेंटर में डिस्क फ्लोरेट्स लगे हुए हैं। रे फ्लोरेट्स मैंने आपको बताया था कि ये या तो बंधे होते हैं स्टेराइल होते हैं, या फिर ये पिस्टिलेट यानी मादा पुष्प होते हैं, जबकि डिस्क फ्लोरेट्स मैंने बताया था आपको ये बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होते हैं। अब फ्लावरिंग या पुष्पन की बात करें तो सूरजमुखी के अंदर 5 से 10 दिनों का समय लगता है पुष्पन को पूर्ण होने में या फ्लावरिंग को कंप्लीट होने में। इसके जो पोलन ग्रेन्स या परागकण होते हैं वो 12 आवर्स के लिए या 12 घंटों तक जीवित रह सकते हैं या वायबल रह सकते हैं। इसका मतलब 12 घंटों तक वो अगर परागण करते हैं या पॉलिनेशन करते हैं तो आगे निषेचन व फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एंथेसिस की बात करें तो ये सुबह 5 से 8 बजे के मध्य जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पुष्प के खुले रहने की जो प्रक्रिया है या फ्लावर जो है उसके ओपन रहने का जो प्रोसेस है उसको एंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सूटेबल टाइम है वो 5 to 8 AM है। ठीक है, उसके बाद संकर बीज उत्पादन या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो सूरजमुखी या सनफ्लावर जो है इसमें संकर बीज उत्पादन के लिए हम लोग 3-लाइन सिस्टम का यूज करते हैं या 3 वंशक्रम तंत्र का उपयोग करते हैं। तो इस मेथड या विधि के अंदर 3 प्रकार के या 3 टाइप के लाइन्स या वंशक्रमों का उपयोग किया जाता है। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, A-line, B-line and R-line। A-line जो है इसके पौधे नरबंध्य होते हैं या मेल स्टेराइल होते हैं, इसलिए इसको हमेशा मादाजनक के रूप में उपयोग किया जाता है। बी लाइन की बात करें तो इसको अनुरक्षक वंशक्रम भी कहते हैं या मेंटेनर लाइन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो ए लाइन के अनुरक्षण के लिए या मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। बी लाइन के पौधे कैसे होते हैं, भी नर उर्वर होते हैं, इसलिए इसको नरजनक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। आर लाइन की बात करें तो इसको रीस्टोरर लाइन या पुनः स्थापक वंशक्रम भी कहते हैं, क्योंकि ये नर उर्वरता को या मेल फर्टिलिटी को रीस्टोर या हम कह सकते हैं पुनः स्थापित करने का कार्य करता है। आर लाइन के पौधे नर उर्वर होते हैं और इनको नर जनक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। 3 वंशक्रम जो विधि है या 3-line जो सिस्टम है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का, उसके द्वारा सूरजमुखी में संकर बीज का जो हम लोग उत्पादन करते हैं या हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज किया जाता है या CGMS का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो 3 वंशक्रम जो विधि है वो CGMS पर ही आधारित है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। संकर बीज उत्पादन या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के 2 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें आता है मेंटेनेंस का, जो जनक वंशक्रम है या पेरेंट लाइन्स हैं उनका अनुरक्षण या मेंटेनेंस। ठीक है, तो जनक वंशक्रमों का अनुरक्षण या मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल लाइंस, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है
हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन यानी संकर बीज का उत्पादन। किस प्रकार के संकर बीज का? कमर्शियल हाइब्रिड सीड का या वाणिज्यिक संकर बीज का उत्पादन। तो ये दो स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनक वंशक्रमों का जो अनुरक्षण है या मेंटेनेंस है पेरेंटल लाइंस का, वो किस तरह से करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पेरेंटल लाइंस या जनक वंशक्रम होते हैं उनका आधार बीज उत्पादन करते हैं, यानी कि फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन जो है वो उनका किया जाता है। किस तरह से हम लोग करेंगे वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो ए लाइन है उसका अनुरक्षण जो है वो किस तरह से किया जा सकता है या मेंटेनेंस जो है वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए ए लाइन का हम लोग क्रॉस करवाते हैं, किसके साथ? बी लाइन के साथ क्रॉस जो है वो करवाया जाता है। तो ए लाइन जो है, इसके पौधे कैसे होते हैं, अभी मेल स्टेराइल या नर बंदे होते हैं, इसलिए इसको मालाजन की तरह यूज करते हैं। बी लाइन के पौधे कैसे होते हैं, मेल फर्टाइल यानी नर उर्वर होते हैं, इसलिए इसको नरजन की तरह यूज किया जाता है। इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया और जो बीज हम लोग एकत्रित करेंगे वो ए लाइन के पौधों से ही करेंगे और वो ए लाइन के को ही प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और उनसे जो पौधे बनेंगे आगे वो फिर मेल स्टेराइल या नर बंदे होंगे। तो नर बंदेता का गुण जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। सूरजमुखी की जो अन्य किस्में होती हैं या अदर जो वैरायटीज हैं उनके जो प्लॉट्स होते हैं उनसे आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी रखना आवश्यक होता है। तो कितनी पृथक्करण दूरी रखी जाती है? 600 मीटर का पृथक्करण या आइसोलेशन रखा जाता है। नर व मादा जनक पंक्तियों का जो अनुपात है यानी मेल एंड फीमेल जो पेरेंट रोज हैं उनका जो रेशियो है या अनुपात है, यानी बी अनुपात ए की बात कर रहे हैं, वो 1:3 रखा जाता है। तो 1 किसके लिए है? बी लाइन के लिए है और 3 जो है वो ए लाइन के लिए है। प्लॉट के चारों ओर हम लोग नर जनक पौधों यानी बी लाइन के जो पौधे होते हैं उनकी 2 बॉर्डर रोज या 2 सीमांत पंक्तियां जो है वो उगाई जाती हैं ताकि परागण के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, जो पॉलिनेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे बी लाइन के पौधे, फिर उसके बाद 3 ए लाइन, पहले बी लाइन के पौधों की 1 पंक्ति होती है, फिर ए लाइन के पौधों की 3 पंक्तियां, फिर से बी लाइन के पौधों की 1 पंक्ति, फिर से ए लाइन के पौधों की 3 पंक्तियां। इस तरह से अल्टरनेटिवली या एकांतरित रूप से हम लोग सीड फील्ड के अंदर या बीज खेत के अंदर इसको उगाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लांटिंग रेशियो है या रोपण अनुपात है वो कितना रखा जाता है? ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:1। बॉर्डर रोज या जो सीमांत पंक्तियां हैं वो कितनी है? 2 हमें उगानी है फील्ड के चारों ओर और बी लाइन के पौधे जो है उसमें उगाए जाते हैं। आइसोलेशन या पृथक्करण कितना रखना है? 600 मीटर का पृथक्करण जो है वो इसमें रखा जाता है। अब जब हम अनुरक्षण करते हैं या मेंटेनेंस करते हैं तो ए लाइन का क्रॉस बी लाइन के साथ करवाया जाता है। अब यहाँ पे तो क्रॉस हो रहा है, संकरण हो रहा है, तो लक्षणों का परिवर्तन, लक्षण परिवर्तित होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए और बी लाइन जो है ये आपस में समजीनी होती हैं या आइसोजेनिक होती हैं। इनमें केवल एक नर बंदता के जीन का ही अंतर होता है, बाकी सारे के सारे जीन्स आइडेंटिकल होते हैं या एक समान होते हैं, जिससे दोनों में एक ही समय पर पुष्पन होता है। इसलिए इनमें फ्लावरिंग जो है वो भी सेम टाइम पर होगी क्योंकि समजीनी है, आइसोजेनिक है, इसलिए यहाँ पर पुष्पन के तुल्यकालन की या फ्लावरिंग के सिंक्रोनाइजेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पुष्पन अपने आप ही तुल्यकालिक या अपने आप ही फ्लावरिंग सिंक्रोनाइज्ड होती है यहाँ पर, ठीक है। भौतिक मिश्रण से बचाव अगर हम करना चाहते हैं या फिजिकल मिक्सचर जो है उससे हम बचना चाहते हैं तो नर जनक की जो पंक्तियां होती हैं, ठीक है, मेल पेरेंट की जो रोज है यानी कि बी लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, इन पंक्तियों को पहले ही काट कर हटा दिया जाता है, बिफोर मैचुरेशन या परिपक्वता से पहले ही इनको काट कर फील्ड से हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद जब परिपक्वता आती है या मैचुरेशन आता है तो उसके पश्चात जो बीज एकत्रित करने हैं हमें, सीड का जो कलेक्शन करना है, वो केवल ए लाइन पंक्तियों के पौधों से ही करते हैं। जो ए लाइन के रोज होती हैं उनके अंदर जो पौधे होते हैं उनसे ही केवल सीड का कलेक्शन किया जाता है और ये जो सीड है वो ए लाइन वंशक्रम को दर्शाता है, ठीक है, ये जो बीज है वो ए वंशक्रम जो है उसको प्रदर्शित करेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बी लाइन का जो अनुरक्षण है वो किस तरह से करना है, मेंटेनेंस ऑफ बी लाइन। तो इसका अनुरक्षण एक सामान्य किस्म के समान, एक नॉर्मल वैरायटी की तरह ही किया जाता है। तो हम लोग इसको पृथक्कृत खेत यानी आइसोलेटेड फील्ड में उगाएंगे और इसमें अपने आप ही पॉलिनेशन या परागण वगैरह होने देंगे और उसके बाद मैचुरेशन जब हो जाता है तो बीजों को एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पृथक्करण दूरी जो है, आइसोलेशन डिस्टेंस, उतनी ही रखते हैं, 600 मीटर, तो 600 मीटर आइसोलेशन रखना पड़ता है। तो जब परिपक्वता आ जाती है और मैचुरेशन हो जाता है तब इसके बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस तरह से बी लाइन का हम लोग अनुरक्षण करते हैं। उसके बाद आर लाइन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस ऑफ आर लाइन जो है, तो आर लाइन का जो अनुरक्षण है वो भी बी लाइन के समान ही किया जाता है। तो इसका अनुरक्षण भी हम लोग कैसे करते हैं, सामान्य किस्म के समान, एक नॉर्मल वैरायटी की तरह इसको आइसोलेटेड फील्ड में या पृथक्कृत खेत में उगाकर किया जाता है।
ठीक है। इसमें आइसोलेशन या पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, 600 मीटर रखते हैं। तो आइसोलेटेड फील्ड में उगा लिया, उसके बाद उसमें पॉलिनेशन वगैरह होने देते हैं। जब मैच्योरिटी हो जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो उसके पास के सीड्स को इनके बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है, और ये आर लाइन का अनुरक्षण कहलाता है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन या कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो इसमें प्रमाणीकृत बीज उत्पादन किया जाता है, संकर प्रमाणीकृत बीज उत्पादन या हाइब्रिड सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी ए लाइन का क्रॉस करवाते हैं आर लाइन के साथ, ठीक है। किस तरह से करवाएंगे इसको डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हो ए लाइन का क्रॉस आर लाइन से करवाएंगे। ए लाइन की पौधे कैसे होते हैं, मेल स्टेराइल होते हैं, नर बंदे होते हैं, तो इसका मतलब इसको मालाजन की तरह हम लोग यूज करेंगे। आर लाइन के जो पौधे हैं वो कैसे होते हैं, मेल फर्टाइल यानी नर उर्वर होते हैं, तो इसको नरजन की तरह हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों में क्रॉस करवाया तो हाइब्रिड सीड्स या जो संकर बीज है वो हम लोग ए लाइन के पौधों से प्राप्त कर लेंगे परिपक्वता के पश्चात। जब इन हाइब्रिड सीड्स को हम लोग जर्मिनेशन करवाएंगे तो हमें F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त होंगे, लेकिन ये जो F1 पीढ़ी के पौधे हैं ये नर बंधे न होकर नर उर्वर होते हैं, मेल स्टेराइल न होकर मेल फर्टाइल होते हैं। तो मेल फर्टाइल कौन था, आर लाइन थी, तो यही गुण किसमें आ गया, इन F1 प्लांट्स के पौधों में आ गया। तो इसका मतलब आर लाइन का काम क्या है, मेल फर्टिलिटी को यानी नर उर्वरता को पुनः से रिस्टोर करना या पुनः स्थापित करना, ठीक है। सूरजमुखी की जो अन्य किस्में होती हैं या सनफ्लावर की जो अदर वैरायटीज हैं उनके जो प्लॉट्स होते हैं उनसे आइसोलेशन या पृथक्करण दूरी रखी जाती है, कितनी, 400 मीटर या 400 मीटर का आइसोलेशन रखा जाता है। अब प्लांटिंग रेशियो या रोपण अनुपात हमें कितने रखना है, तो नर व मादाजनक पंक्तियों का जो अनुपात है यानी कि हम लोग आर अनुपात ए की बात कर रहे हैं, तो ये 1:3 रखा जाता है। तो एक जो है वो आर लाइन के पौधों के लिए है और 3 पंक्तियां जो है ये ए लाइन के पौधों के लिए है। इसके अलावा प्लॉट के चारों ओर हम लोग बॉर्डर रोज भी उगाते हैं, सीमांत पंक्तियां। तो नरजनक पौधे यानी कि हम लोग आर लाइन के जो पौधे होते हैं उनकी 2 सीमांत पंक्तियां या 2 बॉर्डर रोज जो है वो ग्रो करवाई जाती हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो पहले आर लाइन की 1 पंक्ति, फिर 3 पंक्तियां जो है वो ए लाइन किया जाती हैं, फिर 1 पंक्ति आर लाइन की, फिर से 3 पंक्तियां ए लाइन की, फिर से 1 पंक्ति आर लाइन की। इस तरह से अल्टरनेटिवली या एकांतरित रूप से हम लोग जो पंक्तियां हैं नर व मादाजनक पौधों की या ए लाइन व आर लाइन पौधों की उगाते हैं, ठीक है। प्लांटिंग रेशियो, इसका मतलब यहाँ पे रोपण अनुपात कितना आ गया, 3:1 या 3:1 हो गया। बॉर्डर रोज या जो सीमांत पंक्तियां हैं वो हमें 2 उगानी है फील्ड के चारों ओर, हाइब्रिड सीड के सीड फील्ड जो होता है उसके चारों ओर, और इसमें आर लाइन के जो पौधे हैं वो ग्रो करवाए जाते हैं। तो आर लाइन क्या है, नरजनक पौधे हैं। आइसोलेशन या पृथक्करण यहाँ पे कितना रखना है, 400 मीटर या 400 मीटर का जो पृथक्करण है वो रखा जाता है। उसके बाद संकर बीज एकत्रण या हाइब्रिड सीड का हम लोग कलेक्शन करेंगे या एकत्रित करेंगे, तो कैसे करेंगे, भौतिक मिश्रण से बचाव के लिए यानी हम फिजिकल मिक्सचर से अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, नरजनक जो पंक्तियां होती हैं यानी कि आर लाइन के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पंक्तियां हैं या रोज हैं उनको पहले ही यानी बिफोर मैचुरेशन ही काट कर हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है फील्ड से, और उसके बाद जब परिपक्वता आती है, मैचुरेशन आता है, तो उसके पश्चात केवल ए लाइन के पौधों से यानी जो ए लाइन के प्लांट्स हैं उनसे ही सीड को कलेक्ट किया जाता है या बीज को एकत्रित करते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, संकर बीज या हाइब्रिड सीड को प्रदर्शित करता है।